पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बीजेपी और मेरे लिए प्रसन्नता का दिन है। राजमाता सिंधिया का भारतीय जनसंघ में अतुलनीय योगदान रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में स्वागत है। सिंधिया के आने से मध्य प्रदेश और मजबूत होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज्योतिरादित्य का भाजपा में हृदय से स्वागत है। हम साथ मिलकर काम करेंगे और मध्य प्रदेश मजबूत होगा। शिवराज ने कहा कि आज का दिन बीजेपी के लिए और मेरे लिए प्रसन्नता का दिन है। आज मुझे राजमाता की याद आ रही है। वे बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं की मां थी। भारतीय जनसंघ को स्थापित करने में राजमाता का अतुलनीय योगदान रहा है। राजमाता ने राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम माना। आज मुझे श्रद्धेय राजमाता जी की याद आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख बेटे बेटियों की मां थी। बचपन से उनका स्नेह और प्यार हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को मिलता था। वो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी और भारतीय जनसंघ के काम को देश, विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान था। आज उनके पोते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सरकार ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। बीजेपी की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार ने अपने कोई वचन नहीं निभाए हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। वादे नहीं निभाए, वचन तोड़ दिए गए और प्रदेश में ऐसी लूट का उदाहरण आज तक कभी देखने में नहीं आया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।